तो गाइस ये रास्ता देख रहे हैं, ये पूरा एडवेंचर वाला रास्ता है। अगर जिसको शौक है नूरी वाटरफॉल आने का, तो ये चढ़ाइयाँ चढ़नी होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ऐसे अभी सुबह की 6 हो रही हैं, मैं जागा हुआ हूँ और आपको सबटाइटल से पता चल ही चुका होगा कि हमने कहाँ जाना है। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग का होने लगा है, ठीक है, आपने मिस नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना। एक तो मैं आपको जो है ना नूरी वाटरफॉल का रास्ता भी बताऊँगा, इस्लामाबाद टू नूरी वाटरफॉल। आप देख रही हैं पूरा इस्लामाबाद अभी सोया हुआ है, वैसे आप ऊपर बादल आए हुए हैं, ये ना हो कि बारिश हो जाए, अगर बारिश होगी भी तो प्लान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बारिश इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अभी मैं दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं बाइकों पे, तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि वो जैसे ही पहुँचते हैं फिर मैं भी निकलूँगा, नाश्ता भी हम बाहर ही करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस हम जो है मनाल के रास्ते पे चढ़ चुके हैं, अभी नूरी वाटरफॉल की तरफ रवाना है, लेकिन बीच में हम रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, वहाँ पे नाश्ता शास्ता करेंगे और उसके बाद जो है हम जाएंगे नूरी वाटरफॉल इंशाल्लाह। अभी धूप तो नहीं है, देख सकती हैं मौसम अच्छा है फिलहाल तो, लेकिन दुआ है कि बारिश भी ना हो, अगर बारिश हो गई ना फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से नूरी वाटरफॉल जो है 127 किलोमीटर जो है दूर है, तो अभी हमने 127 किलोमीटर जो है ना सफ़र करना है, उसके लिए हमें नाश्ता करने की बहुत अशद ज़रूरत। ये आगे जा रहा है ज़कवान, उससे आगे रजा जा रहा है। अभी तक तो मौसम काफी मजे का है, ये देख रहे हैं धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजे का मौसम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश भी ना हो, अगर बारिश होगी काम सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब बारिश हो जाए तो चीकड़ बन जाता है, कीचड़ जो भी है। तो ये ज़कवान, ज़कवान तो क्या फील हो रहा है तुझे? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। पहली दफा नूरी वाटरफॉल जा रहे हो तो मेरे साथ वो भी। हाय। ओके। आप बहुत खुश नसीब हो, सही बोला ना? ये सफीर मैं भी यार सुबह सुबह उठा लाए हैं मुझे, पिक्चर देख तो मिलते हैं फिर आपसे आगे। नजर
और हम फाइनली जो है पहुंच गए इधर। बताऊं हम क्यों आए हैं, क्योंकि इधर का व्यू बहुत मजे का है। वो सामने चेक करें, इतने मजे का व्यू आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना सकवाना? सही बोला ना? तो यहाँ से चलो जल्दी से नाश्ता वगैरह करते हैं, स्पेशल चने भी खाओ। इधर से जल्दी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, फिर निकलेंगे। सही है, मिलते हैं आपसे आगे नाश्ता करते हैं। रुकिए रुकिए, आपने सॉन्ग का तो बहुत ही मजा ले लिया, अभी आपको मैं एक और चीज चेक कराऊंगा। ये जो सड़क है ना, बस यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, इसलिए आपने ना जो मोड़ है इसमें आपने बिल्कुल जो है ना स्लो चलना है, ब्रेक पहले से ही मारनी है, इसका कोई पता नहीं होता। ठीक है, मोड़ में कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सके। आपको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने ना बिल्कुल स्लो स्लो जाना है और रिस्क लेना, क्योंकि लाइफ जो है लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है इस रोडों पर, सही है? अगर आप इस रोडों पर घबरा गए ना, फिर आप कभी नहीं जा पाओगे। सबसे पहले घबराना नहीं है। तो गाइज फाइनली जो है हम नोरी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। बहुत ही सफ़र किया, बहुत तक हम यहाँ से। अब हम ना जैकेट शैकेट ले रहे हैं, जैकेट ले कर फिर जाएंगे नीचे, और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ से जाएंगे हम, वो जो सामने पहाड़ है उस उधर ही होगा वाटरफॉल। चलते हैं उधर, फिर आपसे मिलते हैं आगे का, मैं आपको सीन दिखाऊँगा, आप मेरे साथ रहिए। तो मिलते हैं फिर आगे। सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास समारे, काहे घबराए काहे घबराए। और सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास समारे, काहे घबराए काहे घबराए। अरे सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना हाँ जी। तो हम अभी जो हैं दरिया को पार कर रहे हैं, देखें दरिया के बीच में मैं खड़ा हूँ, इस अकवाना इधर मज़े लेते हुए दरिया के। बहुत ही मज़े का पानी है, ठंडा यख किस्म का, मज़ा आ गया। अभी आगे जाके जो आबशार आएगी ना, वो मैं आपको बताऊँगा आबशार।
हाँ जी, तो हमने नहा शा लिया था, मज़ा आ गया काफ़ी। ठंडा पानी था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पहले तो मैं गया, मैंने सोचा बस नहाना नहीं है क्योंकि बहुत ठंडा था, लेकिन हिम्मत करके गए हम उधर जाके, हमने काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आ गया कसम से, पैसे पूरे हो। तो गाइस ये रास्ता देख रहे हैं, ये पूरा एडवेंचर बड़ा रास्ता है। अगर जिसको शौक है नूरी वाटरफॉल आने का, तो ये चढ़ाइयाँ चढ़नी होगी आपको, उतराइयाँ। लेकिन हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमने आज जो है, बहुत इंजॉय किया क्योंकि एक तो यहाँ पे व्यू, आप व्यू देखे हुए ना कसम से, ये सामने चेक तो करें पहले, ऐसे कमाल का व्यू, और ऊपर से वो आबशार आप देखें, नूरी वाटरफॉल। आके पैसे सारे पूरे हो जाते, बस एक ये मसला था कि पानी ठंडा बहुत था, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया, काफ़ी इंजॉय किया हमने। तो मैं घर वापस आ चुका था, काफ़ी थका हुआ था, इस वजह से व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाया और मैं सो गया।